शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हम लोग गुंडे हैं, बदमाश हैं, डॉन हैं। तो क्या हमारी बहन बेटियों की शादी नहीं होगी? हाँ यार, किया ना तूने हमारी संजना से? किया है ना। तो क्या उसे ऐसे ही लटका के चला जाएगा तू? देख बे शरीफ शाने, कार्ड बट चुके हैं, अखे शहर को मालूम है। अगर ये मंगनी नहीं हुई ना तो उदय भाई की इज्जत का क्या होगा? अरे उदय भाई की इज्जत की माखियां अपनी इज्जत के तो एल लग जाएंगे ना। एल का मतलब लटक जाएगी रे, लुट जाएगी। ये बता, अब अपने मामे को तू उठाएगा या मैं उठाऊं? एक तो कोकेन सुंगा, हीरोइन सुंगा, कुछ भी कर, लेकिन उसको लेकर मंगनी में पहुंच जाना, नहीं तो तेरी अखी फैमिली को उड़ा डालूंगा मैं। उड़ा डालोगे? कैसे उड़ा डालोगे? नहीं, वो देख, ऊपर देख, ऊपर। तू, तेरा मामा और मामी ऐसे कबूतरों की तरह फड़फड़ाओगे। मामा, मामी, मैं ये क्या सुन रहा हूं मैं? ए भुक्कड़, तुमने इनके अंकल पर गोलियां चलाई? तो क्या करता उदय भाई, खाली भुक्कड़ बेहोशी का नाटक कर रहा। बुड्ढा बुड्ढा कह रहे हैं, कोई तमीज ही नहीं है बात करने की। इनके अंकल को तुम बुड्ढा कहोगे? बुड्ढा, ये मत भूलो कि वो बुड्ढा मेरा होने वाला रिश्तेदार है। मैं पूछता हूँ, क्या जरूरत थी गोली चलाने की? अरे मैंने सोचा थोड़ा गोली सुंगाऊंगा तो होश में आ जाएगा। पूछिए, अगर एक आधी गोली लग जाती अंकल को? एक आध गोली लग जाती तो अंकल को? गलती हो गई, सॉरी। अरे कब तक तेरी गलतियों का टोकरा मैं अपने सर पर घुमाता रहूंगा? मैंने कहा था जाओ गोली चलाओ, कहा था नहीं ना, क्यों चलाई गोली? और भाई साहब, वो वाली बात अंकल को उठाने वाली जो मैंने बताई थी, और ऐसे ऐसे गंदे इशारे कर रहे थे। कैसे इशारे कर रहा था? ये क्या मतलब है इसका? कैसे उठाओगे इसके अंकल को ऐसे? साला मुश्किल से एक रिश्ता जुड़ा है, इतना नेक होनहार लड़का मिला है, उस रिश्ते को तुड़वा दोगे? मार दो मेरे को, मार दो। लेकिन आपको जो टेंशन देगा ना, उसको मैं नहीं छोड़ूंगा उदय भाई। अरे क्या करूं मैं इसका? क्या करूं? मार भी नहीं सकता। प्यार जो करता है मुझसे। बल्लू बता, क्या किया था इसने? बता। मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था। एक दिन गलती से उदय भाई के लिए मेरे मुंह से गलत निकल गया, तो मजनू भाई ने मेरी हॉकी स्टिक से मेरी टांग के टुकड़े टुकड़े कर डाले। लेकिन इंसान अच्छे हैं, मुझे फौरन हॉस्पिटल लेके गए, मेरी नई टांग लगवाई। सुना, दिल का बुरा नहीं है ये, मुझे टेंशन में देख नहीं सकता। इतनी फिक्र क्यों करता है मजनू? संजना की मंगनी 13 तारीख को ही होगी। राजीव बड़ा समझदार लड़का है, अपने अंकल को होश में लाएगा, समझाएगा, लेकर आएगा। तू फिक्र मत कर। हाँ तो फिर आप ही पूछ लीजिए इससे, मंगनी में अपने अंकल को ये लेकर आएगा या मैं लेके आऊं? अब आप ही ले आइए मजनू जी। मेरे अंकल मेरे माँ बाप की तरह, और मेरे माँ बाप की कोई बेइज्जती करे तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं आपकी बहन से बहुत प्यार करता हूं और हमेशा करता रहूंगा, लेकिन इन गोलियों के डर से मैं शादी नहीं करूंगा। एक्सक्यूज मी भाई साहब, मैं जा रहा हूं, अगर आपको रोकना हो तो मेरी पीठ पे गोली चला देना। राजीव, राजीव, इसकी तरफ से मैं माफी मांगूंगा। भाई, ये आप क्या कर रहे हैं? आज एक भाई अपनी बहन की खुशियों की भीख मांगने आया है। मैंने जो बदसलूकी की है उसके लिए मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ आपसे। इस गलत धंधे में रहकर शायद
लोगों के आंसुओं को मैं समझ नहीं सका, उसी की सजा भुगत रहा हूं। हर दरवाजे पर अपनी बहन के रिश्ते की ना सुन सुनकर मैं थक चुका हूं घुंगरू जी। यह आखिरी दरवाजा है मेरी बहन की खुशियों के लिए, इसे बंद मत कीजिए। बगैर ग्लिसरीन के कैसे आंसू निकाले जाते हैं देखा। आगे का ड्रामा संभाल ले। घुंगरू सेठ, मैंने आज तक उदय भाई की आंखों में आंसू नहीं देखे, और आज उनकी आंखों में आंसू देखकर एक बात तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, अगर ये आंसू नहीं रुके ना तो इस शहर में सुनामी आ जाएगा। वो देखिए, अब ये पागल जी नहीं पाएगा। कंट्रोल मजनू, कंट्रोल। अगर ये नहीं बचेगा तो कौन बचेगा? कौन बचेगा? अब इस आने वाली मुसीबत को सिर्फ आप ही रोक सकते हैं। टैंकी मामा, हमारे भाई भी मंगनी में आने के लिए इटली से उड़ चुके हैं। ये कौन से नए भाई हैं? मेरे और उदय भाई के भी बड़े भाई, इंग्लिश में बोले तो गॉडफादर, आरडीएक्स सर। आरडीएक्स? If you see me coming, better step aside. A lot of them didn't, and a lot of them died. Die and die. Nahi. These dolls fire when you want them to fire. मैं अपने दोनों शेरों के लिए ये तोहफा लाया हूँ। Thank you, sir. Hey, Lucky. Yeah? Where the f*** do you think you're going, son? Going with my friends for a drink, Dad. There's a party on tonight. I hate your bloomin' parties, Dad. Just cut it. Sorry, folks. You know he's a half man. Yes. Half नहीं, full crack है, sir. Send cover for him. Okay, sir. अरे जाओ रे, तुम लोग लकी के साथ जाओ। चलो चलो। Okay, boss. आखिर तुम्हारी बहन का रिश्ता तय हो ही गया। यस सर। तुम्हारी टेंशन खत्म, मतलब हमारी भी टेंशन खत्म। आज की पार्टी में जबरदस्त डांस होगा, गाना होगा। लेकिन इसका तो कोई इंतजाम नहीं किया है सर। नॉट टू वरी उदय, अभी हम जिंदा हैं। जो तुम्हारे साथ इतना बड़ा नर्स कियो, इतना बड़ा धोखा दियो। अरे 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 बहन जी, गुदगुदी हो रही है, गुदगुदी। अरे मैंने बहन जी बोलिया, पापी मैं थारी बहन जी को नहीं, थारी जोरू तू जोरू। अरे मैं तो आपको जानता तक नहीं, हमारी शादी कब हुई, और वैसे भी मामा के होते हो गई शादी। ओए ठहरो, क्यों मामा? के वचन दिया था हमने पूरे गांव के सामने कि छोरी तू बड्डी हो जा, जब तने लेवाड़ आवेंगे। अरे थारो रस्तो देख देख के इतनी बड्डी होगी मैं, और कितनी बड्डी हो जाऊं? हाँ इशिका बोल। क्या ये लड़की सच बोल रही है? अरे ये छुट्टो के बोलेगा, सच्चाई और सबूत दोनों अपने साथ लेके आई हूँ साथ। ये देखो देखो देखो, ये मैं, ये मेरे वो, और ये वो मामो। उदय भाई, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, मेरी बहन ने शादी कराई थी, अब मुझे क्या पता कि बरसों के बाद ही यहाँ आ टपकेगी। मुझे लगता है कि
भगवान की भी यही मर्जी है। भगवान नीचे आकर बोले थे तुम्हें ऊपर बुलाया था। सुगुरु सेठ, नीचे हमारी मर्जी चलती है और फैसला भी हम ही करते हैं। इंसाफ तो तुम्हें यही दिला सकते हैं, यहाँ सबसे बड़े यही है। कंट्रोल उदय। अरे मैं तो अंधी थी, अंधी। अकबर बादशाह मारी अखा के सामने बैठे मने दिखा कोनी। चिल्ले लाही। चिल्ले लाही का मतलब क्या? चिल्ले लाही का मतलब पूछ क्या उसे? हे कलयुग के अकबर, मैं थारे सामने झोली फैलाकर अपने सुहाग की भीख मांगू, और अगर थारे से ना हो सके तुम्हारे पास जान देने के सिवा कोई रास्ता कोनी। रुको लड़की, इंसाफ होगा, हम करेंगे इंसाफ। इंसाफ हो चुका है भाई, इसको उठाकर बाहर फेंकने का। मजनू, ये मत भूलो अभी हम जिंदा हैं। उदय, एक तरफ तुम्हारी बहन है और उसकी खुशियां हैं, और दूसरी तरफ इस लड़की के आंसू। एक तरफ तुम्हारी बहन की सगाई है और दूसरी तरफ इस लड़की का सुहाग। इंसाफ यही कहता है कि इस लड़की का पलड़ा भारी है। ये मंगनी नहीं हो सकती। अरे उदय भाई, इस बेचारी की क्यों मार रहे हो? अरे मेरा तो जी चाह रहा आरडीएक्स सर के सर में सारी गोलियां ठोक डालूं, लेकिन साला उससे भी क्या फायदा होने वाला है? तीन तीन बार छह छह गोलियां खाने के बाद भी वो होश में आ जाते और उठते सर बोलते अभी हम जिंदा हैं। मर गया, मर गया। उस साली छोकरी ने जिले लाही क्या बोल दिया? अपने आप को सीरियसली अकबर आजम समझने लगे और हमारी बहन को बना दिया अनारकली। मजनू, बचपन में मेरा बाप मेरी उंगली पकड़ के मंदिर लेके जाता था। मंदिर की दीवार पर एक बात लिखी थी, इंसान को अपने बुरे कर्मों की सजा इसी जिंदगी में भुगतनी पड़ती है। बचपन की सभी यादें धुंधली हो गई, लेकिन वो दीवार की बात अभी तक यहां चिपकी पड़ी है। मुझे लगता है मेरे पाप ही मेरी बहन की खुशियों के आड़ यार। इशिका, तुम सिर्फ इनकी साली ही नहीं हो, राजीव की एक अच्छी दोस्त भी हो। ये क्या किया तुमने? दीदी, मुझे तो बताया गया था कि रिश्ता जोर जबरदस्ती की वजह से हो रहा है। जीजाजी ने झूठ बोला मुझसे। वाओ अंकल, यू सो कूल। इतना प्यार छिड़क कर फूल सुंघाया कि मैं अपनी बर्बादी पर ही हंसता रह गया। आपको जब ये रिश्ता मंजूर नहीं था तो सीधे मना कर देते, इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? ये मेरा ड्रामा नहीं है भांजे, ये मेरी मजबूरी है। मैंने तुम्हारी माँ को वचन दिया था। वचन दिया था? मेरी बहन ने एक ही गलती की, एक मुजरिम घराने में शादी, और उस गलती की उसने जिंदगी भर सजा भुगती। मौत भी ऐसी दर्दनाक आई बेचारी को, एड़िया रगड़ रगड़ के मरी। उसने तुम्हें मेरे हाथों में सौंप कर कहा था कि भैया, मेरे बेटे पे जुर्म का साया तक नहीं पड़ना चाहिए, मुझे इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं है, मुझे एतराज है रिश्तेदारों से। आपको इस रिश्ते से नहीं रिश्तेदारों से एतराज है। अगर संजना के भाई साहब जुर्म का रास्ता छोड़कर शरीफ इंसान बन जाए तो? उदय शेट्टी। जी अंकल, उदय शेट्टी। अगर ऐसा हुआ ना बेटे, तो मैं खुशी खुशी तेरा हाथ संजना के हाथों में दे दूंगा और तुम्हारी शादी में मैं नाचूंगा, सच। लेकिन अगर तू उसे सुधार नहीं पाया तो
तो जिस लड़की को आप राजीव के लिए पसंद करेंगे ना अंकल, उसका हाथ मैं अपने हाथों से राजीव के हाथ में दूंगी और उसकी शादी में मैं नाचूंगी भी।